हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक पत्र जारी हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी गया, अररिया, भागलपुर, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी और पूर्णिया। विषय है इसका शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण है उनके लिए 6 माह का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। जैसे TET जब नहीं होता था जिस टाइम, तो उस टाइम शिक्षकों का नियोजन जो है बस ट्रेनिंग के माध्यम से किया जाता था। मतलब जो लोग DL-ED या BED किए रहते थे प्रशिक्षित रहते थे, और उस समय अप्रशिक्षित का भी मार्क्स पे होता था, 10th और 12th के मार्क्स पे। तो उन लोगों का नियोजन के बाद एक परीक्षा लिया गया था, दक्षता परीक्षा। तो उसमें कुछ शिक्षक जो है वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए, दोबारा लिया गया तो भी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। तो ऐसे शिक्षकों का एक प्रशिक्षण जो है सो प्रारंभ होगा, और प्रशिक्षण 6 माह का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। तो उसी को लेकर ये पत्र जो है जारी हुआ है। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा संबंधित जिलों में दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षकों को 6 माह के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इस क्रम में दिनांक 25/5/2022 को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित व्याख्याता जो है जो ट्रेनिंग देंगे उन लोगों को शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण जो है उन लोगों को दिया गया है। साथ ही प्रशिक्षण का मॉड्यूल भी उन लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। तो जुलाई माह के प्रथम जो शनिवार है, शनिवार से, और शनिवार और रविवार दो दिन 2/7 से शुरू हो रहा है। तो इन लोगों का प्रशिक्षण जो है सो पूर्ण होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को दायित्व दिया गया है इसका कि जितने भी प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षक हैं उनकी उपस्थिति जो है 100% हो रहे, इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी हो। और प्रशिक्षण अवधि के लिए अगर प्रशिक्षण अवधि में कोई शिक्षक जो है वो नहीं आते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे, ऐसा दिशा निर्देश जारी करने को बोला गया है। यदि किसी जिला में उर्दू एवं शारीरिक शिक्षा के व्याख्याता नहीं उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रशिक्षण केंद्र के निकटस्थ विद्यालय में पदस्थापित उर्दू एवं शारीरिक शिक्षा के जानकार शिक्षक विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त कर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराएंगे। प्रशिक्षक के रूप में नामित व्याख्याता प्रतिनियुक्त शिक्षक को रविवार को कार्य करने के बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश दे होगा। तो जो प्रशिक्षण देंगे उनको जो है क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा, रविवार को कार्य करेंगे उसके बदले में। प्रशिक्षण कार्य का अनुश्रवण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया जाएगा। साथ ही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य की स्थिति का अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। रवि प्रकाश, प्राथमिक शिक्षा निदेशक का 27/6/2022 को ये पत्र जारी हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।